हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज नाटकीय घटनाक्रम के बाद ध्वनिमत से राज्य का बजट पास कर दिया गया। कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और आज मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संकट में आ गई। कांग्रेस इस कोशिश में लगी थी कि किसी भी हाल में बजट पास हो जाए, क्योंकि बजट पास होना विश्वास मत हासिल करने जैसा ही होता है और फिर अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। जब स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निकाला तो नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला, कहा कि सरकार जानती है कि मत विभाजन होने पर बजट पास नहीं हो पाएगा, इसीलिए बीजेपी के विधायकों को निष्कासित किया गया है। सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हिमाचल के इतिहास में नहीं पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, एक तरह से जो बिल्कुल आसन्न संकट था सुखविंदर सुक्खू सरकार पर, वो तो बजट पास होने के साथ टल गया, लेकिन पार्टी में ही अब उन्हें लेकर सवाल काफी उठ रहे हैं। जिस तरह से कल क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने विधायकों को अपने पास नहीं रख पाए, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज की हार हुई, तो क्या आपको लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं हिमाचल में अब? जी सुशील जी, आने वाले दिन की बात तो बाद में करेंगे, जो दिन अभी चल रहा है यही बहुत मुश्किल भरा है उनके लिए, क्योंकि पिछले 48 घंटे या 24 घंटे में जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में बना है कि एक मुख्यमंत्री को कैमरे पे ये कहना पड़े कि मेरे 6 विधायकों को हरियाणा की पुलिस उठा कर ले गई, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी और किसी भी बहुमत वाली सरकार या मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत ही कमज़ोर लगता है। जहाँ तक उनकी और परेशानियों की बात करें तो जिस तरह से पार्टी के अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक, क्योंकि कई विधायक जो कांग्रेस के हैं जो उन 6 विधायकों में नहीं हैं जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट डाला है, और भी विधायक जो कांग्रेस के हैं, जब आज सुबह वो विधानसभा में आ रहे थे और जब उनसे पूछा जा रहा था तो उसमें भी वो क्लियर नहीं थे कि बजट की अगर डिवीजन वोट वाली बात की जाती है या ध्वनि मत से नहीं बल्कि वोटिंग से सपोर्ट दिखाया जाए बजट के लिए तो वो किसको वोट करेंगे, तो उसमें कई नेता जो हैं, कई विधायक जो हैं मुंह से कांग्रेस बोल भी नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो डिसकंटेंट है या जो नाराज़गी है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, वही जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड का भी असमंजस समझना होगा सुशील जी, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि अक्सर कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहते हैं कि जो बड़े राजशाही खानदान के लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, उनको नेता बनाया जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू NSUI के प्रधान अध्यक्ष होते हुए उठे हैं और बड़े कम उम्र में विधायक भी बने, और उसके बाद उनकी नाराजगी कह लें या उनका एक अलग खेमा था जो वीरभद्र सिंह की क्रिटिसिज्म अक्सर वो करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जंजाल से बचने के लिए, इस पूरे जंजाल से बचने के लिए कि वीरभद्र सिंह जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पुराने मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के थे और कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, उन पर बहुत करप्शन के भी चार्जेस लगे थे और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा हमेशा कांग्रेस पे अटैक करती है, इन दो कारणों को पीछे छोड़ने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पे आरोप लगने लगे कि वो अपने करीबी विधायकों या करीबी मंत्रियों की ज्यादा सुन रहे थे और बाकी दूसरे विधायकों को कैबिनेट एक्सपेंशन में वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे या उनको जगह नहीं दे पा रहे थे, और इस तरह की नाराजगी जो है कई विधायकों में चल रही थी कई दिनों से। और इसका सबसे जीता जागता सबूत हमें मिला जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में विक्रमादित्य सिंह वहां पर गए भी, और जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह की जो कवायद चल रही थी कि नाराजगी है, वो नाराजगी तो दिख ही रही है कल से,
अब देखना होगा कि बजट तो पास हो गया है, आगे क्या हाईकमांड उनको हटाने की बात करता है या नहीं, या किसी दूसरे चेहरे को लाता है या नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति दोबारा भी बन सकती है। क्योंकि जब 6 MLA टूट के हरियाणा चले जाते हैं, कोई संपर्क नहीं साधते हैं पार्टी से, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जड़ से सुलझाने के लिए पार्टी को कोई कड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि जैसा आज जयराम रमेश अपने प्रेस वार्ता में बता रहे थे, अब वो कड़ा फैसला क्या सिर्फ उन 6 विधायकों पर होगा जो कल क्रॉस वोटिंग में शामिल थे, या विक्रमादित्य सिंह जैसे मंत्री पर भी हो सकता है जिन्होंने आज सरकार के खिलाफ बात भी की है और अपना त्यागपत्र भी दे दिया। गजाली, कांग्रेस की तरफ से कौन अब हिमाचल प्रदेश में जो ये पूरी व्यवस्था है केंद्र की तरफ से, आलाकमान की तरफ से, वो देख रहा है, और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है इस पूरे खेल में? बात करेंगे अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली से। तो हिमाचल प्रदेश में ये एक संकट है, एक बहुमत वाली सरकार वहाँ इस वक्त संकट में फंसी हुई है। हालांकि आज बजट पास हो गया है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने अपनी पार्टी के ही अंदर बागियों से निपटने की बड़ी चुनौती है, और अब आम चुनाव सिर पर हैं। देखना है कांग्रेस ऐसे नाजुक समय में क्या फैसला लेती है, और क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके पद पर बनाए रखती है या फिर किसी बागी के आगे झुकती है।